सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, चंगा। तो देखिए मैं कितनी सुंदर सी जगह पे आया हूँ, यहाँ की सुंदरता देखने से बनती है। तो आपको यहाँ का थोड़ा टूर कराता हूँ और बहुत प्यारी प्यारी जगह दिखाऊंगा, तो बने रहना मेरे साथ इस चैनल पर। चलिए, तो सुबह सुबह का टाइम है, 10 बज गया है सुबह का। अभी हम जा रहे हैं फिर से गाँव की तरफ। सुबह मतलब सुबह तो धूप नहीं आती है, बहुत ठंडा होता है, तो थोड़ा धूप भी सीख लिया। उसके बाद हम जा रहे हैं अभी उस पार, वही नदी क्रॉस करके जो आपको दिखाया है पहले भी। तो दोस्तों हम इस पार आए हैं, अभी उस पार थे और इस पार आए हैं। मतलब ये जो जगह है पहले पूरे यहाँ पर तक थी, मतलब बहुत बड़ा यहाँ पे ग्राउंड टाइप का बना रहता था। जब बाढ़ आई उसके बाद से वो सब बहा ले गई अपने साथ। तो हम पहले यहाँ खेलते थे बचपन में, बहुत मज़ा आता था, पर अब कुछ ऐसा रह गया है, मतलब चलने लायक ही जगह रह गई है और बाकी सब बाढ़ आई थी वो बगा ले गई है। तो बहुत मज़ा आता था उन दिनों, और अब तो उतना नहीं रह गया। और एक और चीज़ दिखाता आपको, इंटरेस्टिंग सी चीज़, ये ऊपर खेतों में पानी पहुंचाने के लिए पंप लगाए जाते हैं। यहाँ पे पहाड़ों में तो ऊपर पानी पहुँचता नहीं है, तो वहाँ पर पंप लगा के ऊपर खेतों में पहुँचाया जाता है। तो वो एरिया जहाँ पे पूरा आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे पहले ग्राउंड था और अब पूरा रेत से भर गया, वहाँ पे कुछ नहीं बचा, हरा भरा था वहाँ पे। और हम उस मंदिर पे आए थे, देखिए उस पार है वो मंदिर, हम इस पार आए हैं। बरसात में काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ देखने लायक, पर अभी थोड़ा सूखा सूखा टाइप है। जो आप ये छोटी सी नदी देख सकते हैं, मेन नदी में मिलती है नदी, वहाँ जाती जहाँ से हम उस दिन एक दिन वीडियो बनाई थी। तो वीडियो बनाई थी ऊपर छोटे छोटे जो वाटरफॉल्स की थी, वो यही नदी है, आगे जाके वहीं पे मिलती है इसी जगह पे। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा बैठने का, नदी किनारे आराम से फर्स्ट क्लास करके पैर नदी में डुबो के बैठो, पानी बहुत ठंडा है, पर ये कितना अच्छा बैठने का, वो मज़ा आ गया। तो पहाड़ों में कुछ जानवर की हालत ऐसी हो जाती है तो ऐसे फेंक दिया जाता है, ये देख सकते हैं आप, और वो खा रहा है उसकी खोपड़ी, क्या खा रहा है बे। तो ये देखिए ऐसे, और ये किसी की गाय मरी है, पता नहीं क्या मरा है, ऐसे फेंक के चले जाते हैं लोग, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों करते हैं। अच्छे से दफना देना चाहिए इनको, पर ऐसे कर दिया जाता है। और आपको उधर ले जाता हूं जहाँ गहरा है वो मंदिर के सामने, वहाँ पर नीरू दादी पहले से खड़े हैं, और इसको पार करते हुए डॉच करते हुए हम जाएंगे आगे। थोड़ा अजीब सा रास्ता कूद मार के जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, बहुत डेंजरस। अब मैं इधर से उस तरफ कैसे जाऊं? तो एक छोटा पत्थर का सहारा लेने पड़ेगा थोड़ा आगे जाके, ऐसा एडवेंट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गहरा है इस एरिया में, तो जितना हरा हरा दिख रहा है आपको पानी, ये सब गहरा है। और वो वहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है उनका। एक ज़माने में यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हुआ करती थी, अब पता नहीं कहाँ चल गई हैं। और लोग कुछ यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, मतलब पहाड़ों में बहुत मेहनती लोग रहते हैं ऐसा कहा जाता है, और देख सकते हैं आप खुद अपनी आंखों से। तो इस गांव में एक सबसे बड़ा पत्थर है ये, तो अभी मैं इसमें चढ़ के दिखाऊँगा आपको, और ऊपर चोटी में फतेह लहराऊँगा। चढ़ने का है क्या? है ना भैया, चढ़ के दिखाता हूँ आप सबको, मैं लेता हूँ तो वो पुल है आगे, फोकस नहीं ले पा रहा है। हाँ ये, और अभी यहाँ से ऊपर चढ़ के अभी जाएंगे पूरे रास्ते से, वहाँ से वहाँ जाने हमें। तो देखिए ऊपर से कुछ ऐसी ऊंचाई है, पहुंच गया अपन ऊपर। तो चलो नीचे उतरता हूँ, अब आपको मिलते हैं थोड़ा देर में। तो मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो नीरू भैया बनाएंगे आप वीडियो, और देखिए कैसे रास्ते से उतर रहा हूँ, जैसे कुछ है भी नहीं। कैसे पकड़ोगे? तो मैं उतरता हूँ ऐसे रास्ते से जहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है। तो जब पहाड़ जंगल में आते तो ऐसी चीजें चिपक जाती है, इसे कुमर कहते हैं। तो इसको अभी हम निकालेंगे, थोड़ा टाइम तो लगता है, ये देखिए पूरा यहाँ। हमें ऐसे चढ़ के जाना है, ऐसे पार करके। मैं भी चढ़ता हूँ, एक ही एक, एक, एक कमाल ही है। अब यहाँ से चढ़ के ऊपर चढ़ के जहाँ पे भैया जा रहे हैं सामान ढो के, हम तो ऐसे जा रहे हैं बिना कुछ लिए। वो देखिए
इतने भारी भारी सामान लेके ऐसे चढ़ जाते पहाड़ों में। तो ऊपर रोड है, वही रोड है जो एक वीडियो में देखा होगा आपने जिसमें हम बाइक से गए थे, तो वो सीधा आगे पुल में मिलता है, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो वो भैया लोग इतने चक्कर चलते हैं ऊपर से नीचे सामान लेके रोज के। देखिए एक और चक्कर, इतना सामान रख दिया, देखिए बजरी इतना सार सार के। और उनका घर यहाँ है भी नहीं, वो काफ़ी दूर से आते हैं यहाँ काम करने नेपाल से, तो सब नेपाल से हैं। और हमारी इतने में टैटे फीस बिना कोई सामान के होते चक्कर काटते दिन में से सुबह से। ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा वहाँ के पहाड़ कितने प्यारे हैं। तो हमने कर दिया ब्रिज पार। तो मैं इन जानवरों की बात कर रहा था जिसमें सामान लेके जाते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं रोड साइड और हम आ रहे हैं उधर से। दुकान में रुके और नीरू बहन वाला भूख लगी तो चाउमीन बनाने लग गए खुद ही। अभी यहाँ पर कुकिंग करते हुए चाउमीन की, तो यहाँ पर कटा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला गया, तो यहाँ पर चला गई चाउमीन। तो यहाँ पर गया नमक मसाले, वही है। पर फर्क इतना है कि हमने जंगल में नहीं बनाया इस बार, है जंगल में भी स्टार्ट हो जाते नीरू भैया जहाँ देखते हैं इन्ग्रीडियंट। चाउमीन तो यहाँ पर हमारी चाउमीन हो गई रेडी, बस धनिया डालना बाकी है, फिर अपनी चाउमीन रेडी, फिर आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा बनाया नीरू दादी ने। ये क्या धनिया, तो नीरू भैया इसमें ऐसी क्या चीज़ डालते हो इंग्रेडिएंट्स, आप बताएंगे क्या हमारे व्यूअर्स को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हो टेस्टी बनाते हो? ये वो हैं, कौन से मसाले हैं यार? ये अपने घर के मसाले हैं। अच्छा, मसाले राज है क्या इनका? इनका राज है। तो कितने सालों से बना रहे हैं आप ये चाउमीन यहाँ? चाउमीन में बचपन से पैदा हुआ, चाउमीन ही बना रहा था। अच्छा, तो आपके वहाँ काफ़ी भीड़ लगी रहती होगी? बहुत, देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है। और आपको शौक है बचपन से कि ऐसी ये अभी अभी जागा है? अभी जागा। अच्छा, तो कभी आएंगे उमराड़ा तो नीरू भैया के आती चाउमीन ज़रूर खाना। और कब से है आपका खानदानी पेशा है क्या? खानदानी पेशा है। ओ चलो, देखते हैं इनका टेस्टी हो रहा है नहीं हो रहा चाउमीन, देख सकते हैं स्किल देखिए देखिए स्किल कैसी कैसे बना रहे हैं। ये गया थाली में, यहाँ पे थोड़ा मसाला डालते हैं ऊपर से, ये देखिए लग गई है टेबल में थाली, अब टेस्ट करके बताएंगे कैसा हो रहा है। नीरू भैया आपके हाथों का खुद का खुद की तारीफ कर रहे हो? मैंने तो खुद की तारीफ कर दी, अब मैं खा के बताऊंगा कैसा हो रहा है, झूठ बोल रहे सच। अच्छा बनाया है। तो अब तो हम चल चुके हैं कुमरौड़ा से, अब हम जा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ, मतलब मैं अकेला जा रहा हूँ, दीपू यहाँ से चले जाएगा। तो मैं आपको आगे का दिखाता हूँ, आगे क्या हुआ अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही बने रहना हमारे इस चैनल पर।